नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है देवतन अग्रवाल और आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम इंडिया से। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रेगमेफिक सॉफ्टवेयर। ये बना है मिस्टर योंकी फिलाल, जो कि इंडोनेशिया के क्रिएटर हैं और काफ़ी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें आपको मिलेगी आईफोन की बुक, जो कि चार लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, इंडोनेशिया और फारसी। उसके साथ में मिलेगा आपको इसमें स्कीमेटिक डायग्राम मोबाइल फ़ोन के, उसके साथ मिलेगा लैपटॉप के स्कीमेटिक डायग्राम, और इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो कि काफ़ी अच्छी एक ट्रेनिंग पीरियड पर, जो कि स्टूडेंट या प्रोफेशनल जो काम कर रहे हैं, या तो लैपटॉप का काम कर रहे हैं या मोबाइल फील्ड का काम कर रहे हैं, तो दोनों सेगमेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रैग्माफिक सॉफ्टवेयर एज अ प्रोफेशनल आपके लिए बहुत अच्छा एक आपकी हेल्पफुल एक सॉफ्टवेयर हो रहेगा। सो दोस्तों, क्या इसका अपडेट आज मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ, तो इसका अपडेट ये है कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन में लेकर आया बिटमैप। बिटमैप क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप ये सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इस सॉफ्टवेयर में या आईफोन की बुक में, जो कि हिंदी में भी आपको मिलेगी, जो सिखाएगी कि आईफोन की रिपेयरिंग स्टेप टू स्टेप कैसे करें, कैसे कहाँ किधर किस सेक्शन पर कैसे वोल्टेज को फाइंड आउट करें, तो आपको ये सॉफ्टवेयर परचेस जरूर करना चाहिए। और ये सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सॉफ्टवेयर के पूरे नए अपडेट और बता रहा हूँ कि अगर आपको सॉफ्टवेयर परचेस करना है तो आप कहां से कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो वेबसाइट है, ये जो ऊपर है यहां पर, आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने यहां पे एक वेबसाइट इनकी भी दिखा देता हूं। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आपको सिंपल यहां पर लिखना पड़ेगा pragmafix.in और आपको एंटर करना पड़ेगा, तो आप इनकी वेबसाइट में आ जाएंगे। pragmafix.in पे आप जाके इनके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इनसे ये सॉफ्टवेयर इनसे परचेस कर सकते हैं। सो नॉर्मली मिस्टर योंगी फिलास सबसे बात करते हैं, अगर आप उनके पास भी एक टीम है, अगर आप उनको कॉल करेंगे या उनको मैसेज करेंगे तो आपको भी आसानी से रिप्लाई मिल जाएगा। व्हाट्सअप में इनका नंबर आप सेव करके इनको ना कॉल या इनको व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो अगर मैं बात करूँ, मेरे पास में सॉफ्टवेयर ओपन है, ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और यहाँ जब आप इसको परचेस करते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी और यूज़र नेम, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। मैं करता हूँ उसको लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद में जब ये ओपन होता है तो ऑलवेज अपडेट लिस्ट के साथ करता है। मतलब अगर कोई भी जो अपडेट होते हैं वो मैन्युअली इसमें ऑटो अपडेट हो जाते हैं, मतलब हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता। जैसे हम इसको चालू करेंगे तो ऑटो अपडेट ये ले लेगा, और उसके जो भी कुछ भी अगर 10 KB की फाइल हो या 10 MB की फाइल हो तो ये ऑटोमेटिकली उसको अपडेट कर देता है। सो देखिए, यहां पर प्रैग्माफिक सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, जिसमें आप ऊपर के टैब में देख रहे होंगे बिटमैप PCB। आपको याद है, से पहले भी मैंने प्रैग्माफिक पर सबसे पहले इंडिया में मैंने ही वीडियो बनाया और उसको लॉन्च भी मैंने किया है। और यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि Pragmafix में जो पहले था मोबाइल स्कीमेटिक थे, लैपटॉप स्कीमेटिक थे, मेंटरिंग बुक जो कि हम बात करें आईफोन की, जिसमें MMC की रिपेयरिंग या UFS की रिपेयरिंग की बुक, और जो कि लेटेस्ट अपडेट होने वाली है बहुत जल्द, और एक आपको मिलेगा प्रोफेशनल वीडियो, जिसमें मोबाइल फ़ोन खोलने से लेकर उसको रिपेयर करने तक के सारे वीडियो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंडोनेशिया, तीन लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। जहां आपको इंडोनेशिया और इंग्लिश में अलग अलग कंट्री के वीडियो मिलेंगे, और जहां आपको हिंदी के वीडियो यहां इंडिया में इसे टेलीकॉम के आईफोन रिपेयरिंग के, जो कि हमारे टीम के बनाया द्वारा आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट और इंटरप्टेड पाथ जो है एक उनका ही सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ बिटमैप PCB। बिटमैप PCB में आप देख सकते हैं हुआवे, आईफोन, मेजू, ओप्पो, सैमसंग, वीवो, सौमी का इन्होंने डाला हुआ है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओप्पो की, तो ओप्पो में आप देखिए इतने सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको रेनो 3 प्रो। अगर रेनो 3 प्रो की भी बात करूँ तो ये अभी बुर्नियो में भी नहीं है, ये अभी किसी भी लेटेस्ट टूल में अभी तक रेनो 3 का और वो भी प्रो का आपको बिटमैप देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप रेनो 3 आपके पास में आता है किसी वजह से, या तो वो शॉर्टिंग या इंटरनल लाइन जो उसकी, या इंटरनली लाइन जो उसकी डैमेज हो गई है, उसको रिपेयर करने के लिए, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको उसको डबल टिक करके उसको ओपन करना पड़ेगा। ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी टू यूज़ है, आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको सप्लाईओ का और सर्किट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो किसी अच्छे प्रॉपर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके आप ये काम सीख सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे 2 लेयर देखने को मिल रही है PCB की, और अगर मैं यहाँ बात करूँ पर मुझे इसका CPU, यहाँ पर मुझे इसका BGA 254, और जिसको हम MMC या जिसको हम यहाँ पे, क्योंकि एक रेनो ओप्पो का है, इसमें UFS भी लगा हो सकता है, ये आपको देखना पड़ेगा इसके स्पेसिफिकेशन में। और यहाँ पे आपको मिलेगा इसका नेटवर्क IC, इसके पावर IC के साथ में, यहाँ पे इसका नेटवर्क सेक्शन और यहाँ पे इसका पावर सेक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको 2 पावर देखने को मिल रही है जो कि यहाँ लगी हुई है, और पावर को देख के लगता है कि इसमें लगी है PML और PM। सो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर,
दोस्तों सपोज अगर आपको बिटमैप क्या होता है, बिटमैप क्या होता है इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूं, तो बिटमैप होता है आपकी लेयरों के कनेक्शन की जानकारी, मतलब का जैसे हम स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं, स्कीमेटिक में हमें सप्लाईओं का नॉलेज होता है, तो वो हमें बताता है कि कोई लाइन किस लाइन के साथ जुड़ी हुई है, किस लाइन के साथ कौन सा कॉम्पोनेंट जुड़ा हुआ है, या हमको टच करके ही कनेक्ट करके पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आपकी आईसी के बगल में, आपके आईसी के अंदर सपोज एक पैड निकल गया है, सपोज ये वाला पैड आपका निकल गया है, तो ये पैड आपको बताएगा कि ये किस आईसी या किस कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी लाल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, रेड जो है वो एक सप्लाई लाइन है जो कि मैंने कनेक्ट की हुई है। तो अगर मैं इस पैड की जानकारी दूं तो ये कहाँ कनेक्टेड है, तो देख सकते हैं यहाँ पे एक डिस्प्ले कनेक्टर जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एपीसी कनेक्टर भी हो सकता है दोस्तों। तो ये यहाँ पर एपीसी कनेक्टर की लाइन के साथ में तीसरे लाइन के नंबर के साथ में कनेक्टेड है और ये सीधा आईसी के इस पैड के साथ है। और अगर ये आईसी का पैड निकल गया तो ये जो लाइन है ये ओपन हो सकती है, जिसकी वजह से कोई भी फॉल्ट आ सकता है। सो बेसिकली इस तरह के मार्केट में फॉल्ट बनाने के लिए बिटमैप आजकल नए नए सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, जैसे अगर हम बोर्नियो की बात करें, कॉमरेड प्रो की बात करें, पर मैं बात करूं प्रैग्मा फिक्स, थोड़ा दोनों से अलग है क्योंकि यहाँ इन्होंने इसको जो मेन फोकस डाला है वो डाला है आईफोन के लिए, और बोर्नियो है वो पूरा एंड्रॉयड के लिए है, और कॉमरेड प्रो भी पूरा एंड्रॉयड के लिए है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये तो आपको बिटमैप पीसीबी देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे, सैमसंग के हो गए, वीवो के हो गए, देखिए सैमसंग के भी काफ़ी अच्छे मॉडल यहाँ पर डले हुए हैं, A20, A30, A50, ये वो मॉडल हैं जो अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा रनिंग मॉडल हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ A50 के मॉडल, देखिए A50 का मॉडल लग आ गया है, यहाँ पर इसकी मेन पावर आईसी S5D हुई है, यहाँ इसका सब पावर आईसी प्लस चार्जिंग आईसी इसका दिया हुआ है। मान लीजिए आपका चार्जिंग आईसी नहीं या आपका दो चार्ज पर सर्किट चला गया है, तो यहाँ पर इसका OBP सर्किट दिया हुआ है। यहाँ से आप देख के ये जान सकते हैं कि कहाँ से लाइन इंटरली और कहाँ से लाइन इंटरनली जा रही है और कहाँ से लाइन कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो ये बेसिकली काफ़ी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है बिटमैप। बट बिटमैप दोस्तों सिर्फ अगर आप ये चेक करेंगे कि ये लाइन इसके साइड में कनेक्टेड है और आप उसको जंपर मार देंगे, बट मुझे लगता है कि अगर रिपेयरिंग सीखना है तो आपको सही तरीके से पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर बात करते हैं मोबाइल स्कीमेटिक में, अभी आप देखिए बहुत सारे स्कीमेटिक हैं, लावा, लेनवो, LG, मेजू, माइक्रोमैक्स, मोटरोला, नोकिया, OnePlus, ओप्पो। OnePlus की बात करूंगा तो यहाँ पर आपको 6 तक आपको मॉडल देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको बात करूं कि स्कीमेटिक क्या होता है, अगर आप पहले व्यूअर हैं और आप नहीं पता है, तो मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 6 को ओपन करता हूँ और इसका पीसीबी, तो पीसीबी मतलब लेआउट होता है दोस्तों, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि ऊपर टैब ओपन हो रहे हैं, मतलब ये नहीं कि एक टैब खुल गया तो उसी की जगह दूसरा टैब आके रिप्लेस करके, बट यहाँ पर नए नए टैब आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड पे कि कितनी अच्छी आपकी इंटरनेट की स्पीड है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है लेआउट, और लेआउट में जैसे सपोज अगर मान लीजिए ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया C2610, और तो हम इसको किस लाइन के साथ ढूंढ सकते हैं, मान लीजिए अगर उसके पास हमारा बिट मैप नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसी लाइन का, इसी डायग्राम का, इसी मोबाइल का डायग्राम ओपन करेंगे, स्कीमेटिक ओपन करेंगे और ये कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे किस लाइन के साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि मान लीजिए ये हमें शॉर्ट मिल रहा है, इसको निकालने पर भी शॉर्टिंग अगर नहीं गई है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका डायग्राम ओपन हो गया है और इस कंपोनेंट का जो नंबर है वो है C2610। तो मैं यहाँ पे करूँगा C2610 और यहाँ पे मैं नेस्ट करूँगा, और उसके साथ देखिए मैं यहाँ पर नेस्ट करता हूँ। सो आप जैसे कि देख सकते हैं C2610 यहाँ पे पॉप अप हो चुका है, जो कि एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर BPH की लाइन के साथ में। BPH की लाइन क्या होती है, BBAT की लाइन क्या होती है, VSYS क्या होता है, प्रॉपर लाइनों की जानकारी अगर प्राइमरी या सेकेंडरी या ट्रेनली या जो भी लाइन है हमारे मोबाइल फ़ोन में अगर आपको जाननी है, तो आप बिल्कुल क्लास ज्वाइन करें। अगर विदाउट ये नॉलेज के आप कस्टमर के मोबाइल पर काम कर रहे हैं तो एक आत्महत्या जैसा होगा, मतलब सर वो सुसाइड जैसा होगा, क्योंकि मतलब मैं बहुत सारे क्या होता है दोस्तों, जब हम मोबाइल बनाते हैं, जब एक बनता है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही जब बनते जाते हैं तो नॉलेज भी गेन होता जाता है। पर अगर आप सही नॉलेज के साथ बनाएंगे ना, तो ऐसा बिल्कुल उसका जो डैमेज होने के चांसेस होते हैं बिल्कुल घट जाते हैं, और एक कंडीशन एक जगह ऐसी आती है कि वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये कॉइल यहाँ पे लगा हुआ है L2601 और यहाँ पर ये BPH की लाइन जुड़ी हुई है,
2601 की आईसी के साथ में, जो कि उसके बगल में एक आईसी लगी हुई है, अगर ये आईसी निकालने पर भी आपकी शॉर्टिंग नहीं गई तो आपकी इस लाइन के साथ, क्योंकि बीपीएच की लाइन गई हुई है बहुत और अलग अलग सेक्शन में, हालांकि तो ये सब कुछ मिल जाएगा आपको प्रेगमा फिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसके बता दूं कि लैपटॉप के भी आपको यहाँ पर स्कीमेटिक डले हुए, जैसे डेल की बात करते हैं, डेल मॉडल 1737 को निकालते हैं और इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा इसका ब्लॉक डायग्राम, और ब्लॉक डायग्राम में आपको पता चलेगा कि कौन सा आईसी या कौन सा सेक्शन किस सेक्शन के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क सेक्शन और सीपीयू के बीच में क्या कोई सब सेक्शन दिया हुआ है, या जैसे हम बात करते हैं ऑडियो सेक्शन में कितनी आईसियां हैं, या हमारी ऑडियो आईसी के बीच में और हमारा रिंगर के बीच में क्या कोई ऑडियो पीए एम्पलीफायर आईसी लगा हुआ है, तो ये हमें बताता है हमारा ब्लॉक डायग्राम। और उसके साथ में इसका पूरा कंप्लीट इसको डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। और उसके अलावा अब बात करते हैं मेन यहां पे मेंटल बुक की, तो मेंटल बुक में आपको देखने को मिलेगा आईफोन 4 जैसे लैंग्वेज, मैंने आपको बताया था इंग्लिश, फारसी, हिंदी और इंडोनेशिया। तो मैं अगर इंग्लिश को ओपन करता हूं तो यहां पे जैसे आईफोन एमएमसी की यहां पे बुक डली हुई है। जैसे सपोज मैं एमएमसी 4 को ओपन करता हूं, एक्सपर्ट जो कि लेवल 1 से लेकर लेवल उन्होंने 5 6 7 जो भी उनके लेवल है उनका उसमें अपलोड किया हुआ है। सो यहां पे प्रेगमा फिक्स आपको देखने को मिलेगा, ये इनकी बुक का डिटेलिंग है। यहां पर इनने सीएसडी रजिस्टर के बारे में काफी अच्छा डिटेलिंग डाटा यहां पे डाला हुआ है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर हर चीज को उन्होंने पहले बहुत अच्छा जो उसके शॉर्ट फॉर्म में उसको फुल फॉर्म में उसको बताया गया है कि आर का मतलब रीड ओनली होता है, डब्ल्यू का मतलब वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, और डब्ल्यू ई का मतलब कैंट बी री एंड कैंट बी रिटन इन मेनी टाइम। सो बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं जो कि आप समझ सकते हैं। और यहां पर देखिए अलग अलग, जैसे कि हम जब यूएफआई पे काम करते हैं या जेटेक पे काम करते हैं तो आपको इस तरह की लैंग्वेज देखने को मिल सकती है कि FERM underscore write underscore protect, तो इसका मतलब ये होता है कि permanently make all partitions such as boot, RPMP and user area not writable, not errors and the content on it, मतलब वो user area होता है वो उसका हम write नहीं कर सकते हैं, उसको हम erase नहीं कर सकते हैं, so basically वो protected होती है चीज़ें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, उसके अलावा भी बहुत अच्छी चीज़ें ECC file के बारे में, मतलब यहाँ पे हर चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया है। ECC क्या होता है, इंफॉर्मेशन डिफाइंड द टाइप ऑफ ECC यूज बाय द ECC ब्लॉग इज डूइंग इट जॉब, तो ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर EMMC को आपको बहुत अच्छे लेवल पे समझना है। EST CSD जो कि आप देखते हैं जब भी आप UEFI से किसी फाइल को किसी मोबाइल को प्रोग्राम करते हैं या उसको रीड करते हैं तो एक फाइल आपके पास में आती है जो होती है EST CSD स्टैंड कार्ड स्पेसिफाइड डाटा रजिस्टर, जो कि यहाँ पर बताया गया है हैविंग अ साइज ऑफ 512 बाइट्स। सो बेसिकली कई मॉडल्स होते हैं तो यहाँ पर उनके बारे में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी गई है। तो और उसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पर बूट पार्टीशन, बूट इंफॉर्मेशन, बूट कॉन्फ़िग प्रोटेक्शन, सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, सबके कोड यहाँ पर बताए गए हैं। सो दोस्तों बहुत अच्छा डिटेलिंग यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आईसी के अंदर बताया गया है USB UART स्विच यहाँ पर बताया गया है, जॉइंट टेस्ट एक्शन ग्रुप बताया गया है, UART स्विच के यहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छे कनेक्शन बताए गए हैं, प्रोसेसर और PMIC और उसको जोड़ने के डायरेक्ट टू MMC। सो बेसिकली तीसरा है मतलब हर करेक्ट, जैसे अगर आपको USB से फ्लैशिंग करना है तो यहाँ पर पहले UART USB से फ्लैशिंग आप कर सकते हैं, नहीं तो जॉइंट टेस्ट एक्शन जैसे JTAG जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट हम इस टेस्टिंग पॉइंट पे TDI TDO डाटा इनपुट डाटा और ये MS क्लॉक और इन सब पर रिसेट क्लॉक, तो इन सबको हम जम्पर लगा सकते हैं। बाकी डायरेक्ट टू MMC मतलब आप चाहो तो MMC से डायरेक्ट अपनी आईसी को जोड़ सकते हो, MMC से डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर को जोड़ सकते हो जो कि VCC VDD ग्राउंड डाटा 0 से डाटा 7 और कमांड और क्लॉक की लाइन से हम जोड़ते हैं। तो यही सारी चीज, और मैं इसमें एक खोलना चाहूंगा MMC एक्सपर्ट 6, देखेंगे इसमें क्या मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें आपको ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे बताई गई हैं, इसके अलावा भी हमेशा इसमें अपडेट आते हैं, नए नए अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सप्लाइयों की जानकारी काफ़ी अच्छी यहाँ पे दी हुई है कि, और देखिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको कलर में इमेजेस भी देखने को मिलेंगी, MMC पाथ यहाँ पे बताए गए हैं, VCC हर तरह के यहाँ पर आपको कनेक्शन जंपर पिक यहाँ पे ISP जंपर के बारे में बताया गया है। आपको यहाँ पर जो कनेक्शन होता है जो आपका आपका जो मेन सॉफ्टवेयर होता है उसकी सप्लाई पिनों के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी है कि कौन सी पिन किसको कनेक्ट करेगी, और यहाँ पर ये भी बताया है कि UEFI और MMC के बीच में किस तरह का
कनेक्शन ये जोड़ते हैं और उसमें कौन से कंपोनेंट यहाँ पे लगे होते हैं, तो ये सारी जानकारी दी हुई है। पैडो का डाटा सीट यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें आपने देखा ये VGA 153 है, ये VGA यहाँ पे 186 है, और ये यहाँ पर हम बात करेंगे VGA 153, और यहाँ पर हम बात करेंगे उसके अलावा ये UFI के बारे में भी काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, UFI एडेप्टर के यहाँ पर और उसका सॉकेट के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी हुई है। ये UFI के आप देखेंगे कि जो ई सॉकेट होता है उसके बारे में कि काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर उसको दी गई है, और यही चीज़ बेसिकली हिंदी में भी हम देखते हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो बहुत अच्छी बात है कि जो चीज़ इंग्लिश में देखने को मिल रही है इंडिया के लोगों को, वो चीज़ हिंदी में भी अब मिल जाएगी थ्रू प्रैग्मैफिक सॉफ्टवेयर के। तो प्रैग्मैफिक सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे पूरा हिंदी में बताया गया है, डिवाइस कर्नेल क्या होता है, सिस्टम कॉल इंटरफेस, एप्लीकेशन क्या है, और बेसिकली किस किस तरह के हार्डवेयर इंक्लूडेड रहते हैं, तो यहाँ पे हर चीज़ के बारे में बताया, बूट लोडर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं, और किस तरह के बूट लोडर आता है, या किस तरह के बूट लोडर को आप लोडर को आप कर सकते हैं अपने मोबाइल के साथ में, रिकवरी मोड कैसे ला सकते हैं, तो सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं। तो देखिए जैसे यहां पर बताया कि कमांड से रिकवरी मोड कैसे लाना है, और ये सारी चीजें हिंदी में जो आपको देखने को मिलेगी। फाइलों की जानकारी दी गई है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाया है सैमसंग की type.md5, यहाँ पर बताया आपको एक KDZ जो कि एक LG की फाइल होती है यहाँ पर, और उसके अलावा काफ़ी अच्छी यहाँ पे फाइल हार्डवेयर के बारे में बताया गया है कि हार्डवेयर में कौन कौन से यहाँ पर उसके जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या हार्डवेयर में आपको कॉम्पोनेंट हैं, और जो पार्टीशंस हार्डवेयर के होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर सेक्शंस के बारे में, डिजिटल या एनालॉग की बात करेंगे, ये सब कुछ बताया गया है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा प्रैग्मैफिक सॉफ्टवेयर में, जो कि कमाल की जानकारी है। अभी तो मैंने खोला है सिर्फ यहाँ पर एक ही बुक, और यहाँ पे देखो कितना अच्छा है, यहाँ पर आपको प्रोसेसर के यहाँ पे बारे में बताया गया है, मीडियाटेक प्रोसेसर यहाँ पे बताए गए हैं, ऊपर नीचे स्प्रेटम, ये उसके बाद कॉलकम, यहाँ पर रॉक चेप, मीडियाटेक, और ये ऑल विनर, ये सारे जो प्रोसेसर है दोस्तों, ये कुछ प्रोसेसर है इंडिया के बाहर भी आते हैं और बाकी प्रोसेसर इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस तरह की बुक आपको देखने को मिलेगी, और उसके बाद मैं बात करता हूँ मैंडेटरी वीडियो, जिसमें असेंबली डिसेंबली के वीडियो होंगे, जैसे V15 Pro मॉडल वाइज यहाँ पर आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे कि किस तरीके से हम बेसिकली यहाँ पर किस तरीके से कि यहाँ पर मोबाइलों को ओपन किया जाए, स्क्रू बाय स्क्रूज यहाँ पर बताया गया है, और हर एक लैंग्वेज में यहाँ पे आपको वीडियो बताने की कोशिश की गई है। और यही चीज़ आपको अगर ये मैंने इंडो यहाँ पे जो मैंने ओपन किया था दोस्तों, तो ये एक लैंग्वेज, इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे हिंदी और इंडोनेशिया। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर मैं हिंदी लैंग्वेज की, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे जैसे आईफोन रिपेयरिंग 6 के वीडियो, या उसकी चार्जिंग की सप्लाई, या आईफोन X की चार्जिंग की सप्लाई, तो ये सारी चीज़ें जैसे लीकेज की, जैसे यहाँ पर बताता हूँ आईफोन 6 लीकेज जो आपको मिलेंगे देवता नगवाल या फिर एयरसेल टेलीकॉम की टीम की तब से वीडियो। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी प्रैग्मैफिक सॉफ्टवेयर में। तो आई होप कि आपको प्रैग्मैफिक सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नॉलेज मिल गया होगा। प्रैग्मैफिक सॉफ्टवेयर का नया अपडेट जो कि बिट मैप है उसके बारे में आपको पता चलेगा। तो अगर आप कमेंट करके मुझे पूछेंगे कि सर इसके बारे में थोड़ा एक और डिटेलिंग वीडियो बनाओ, तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर आपको परचेस करना है तो आप इनकी वेबसाइट में जाकर इनको कॉल और इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट।